अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट कोरमा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी होता है। इसे आप रुमाली रोटी या फिर काजू के खाने के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी है ये। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए हमने 2 kg चिकन ले लिया है। इस तरह से हमने मीडियम साइज़ के पीसों में इसको कट कर लिया है। 2 kg चिकन है ये, और इसके लिए हम ले लेंगे 15 से 20 बादाम, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिल्ली पेस्ट है, खड़े मसाले है शाजीरा, पट्टा, इलायची, लौंग, और ये 15 से 20 काजू है, ये कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून फुल, ये दही है 1/2 kg, अदरक लहसुन पेस्ट है 2 बड़े चम्मच और 1 छोटा चम्मच नमक, और ये 5 प्याज की डली है 5, इसको हमने बारीक कट कर लिया है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब एक बर्तन में हम तेल डाल देंगे, 3 टेबल स्पून ऑयल है ये, इसमें हम पूरे गरम मसाले ऐड कर देंगे साबित, गरम मसाले अच्छे से फ्राई हो गए। इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे, 5 डली प्याज है ये, बारीक कट कर लिया था इसको मैंने। ये प्याज को ज़्यादा आप ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाइट ही रहने देना है, लेकिन नरम हो जाना चाहिए अच्छे से। ब्राउन हो गई तो कलर चेंज हो जाता, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, धीमी आंच पर इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है प्याज को बस। ब्राउन नहीं करना है प्याज को। प्याज हो गई, अब हम इसमें अदरक लहसुन और नमक ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट है और 1 टेबल स्पून नमक है। ये हरी मिर्ची पेस्ट है 1 टेबल स्पून फुल। अब हम इसमें कर्ड ऐड कर देंगे, दही 1/2 kg दही है ये। दही को डालते के अच्छे से भून लीजिए, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। डालने के साथ ही अच्छे से भून लीजिए। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, 2 kg चिकन। इन सब चीज़ों में चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि चिकन को इसमें मसालों में। थोड़ी देर के लिए हम दम पे इसको रख देंगे। ये बादाम और काजू जो बताए थे उसका पेस्ट है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है एकदम फाइन पेस्ट में, ऐसा होना चाहिए वो पेस्ट। ये पेस्ट अब हम चिकन में ऐड कर देंगे, बादाम और काजू का पेस्ट। अच्छा मिक्स कर लीजिए सब चीज़ें एक साथ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है अब इसका। अब हम कुछ देर के लिए इसे हाई फ्लेम पर ही रखेंगे, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है चिकन का और दही का। इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे,
अब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा इसका। इसको हम ऑयल ऊपर आने तक अच्छे से भुनकर पका लेंगे, फिर ये रेडी हो जाएगा। चिकन तो गल गया है ऑलमोस्ट। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अब मेथी डालने के बाद, कसूरी मेथी है ये। देखिए अच्छा भुनने के बाद कितना अच्छा ऑयल भी आ गया है ऊपर। अब हम इसमें एक नींबू का रस ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट तैयार हो गया हमारा वाइट कोरमा चिकन का। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको लेमन जूस डालने के बाद। अगर नमक आपको कम दिख रहा है तो आप फिर से नमक ऐड कर सकते, अपने हिसाब से ऐड करिए आप नमक। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया चिकन वाइट कोरमा। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और यम्मी होती है ये डिश, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको रुमाली रोटी या नान की रोटी और काजू के खाने या बघारे खाने के साथ आप यूज़ कीजिए, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार दिखता है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से गोश्त गल गया, एकदम जूसी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।